हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैचलर्स किचन। आज हम बनाने जाने वाले हैं कोथिंबीर वड़ी। अब कोथिंबीर मतलब क्या? कोथिंबीर को हम हिंदी में बोलते हैं धनिया। तो चलिए हम देखते हैं कि कोथिंबीर वड़ी हम कैसे बनाएं, उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत है और कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। हमने मूंग दाल को 2 घंटे के लिए भिगो के रखा है, इसको अब हम अभी पीसना है। पीसी हुई दाल को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और मिर्ची, इसकी पेस्ट। उसके बाद बारीक कटी हुई धनिया। इसके बाद में हल्दी 1 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि आपका जो मिक्सचर है ये पूरा होमोजेनियस हो। एकदम अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको इसमें स्पाइसीनेस ज़्यादा चाहिए तो जो अदरक, लहसुन और मिर्ची की पेस्ट थी उसमें आप मिर्च की क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हो, इससे आपका जो है वो स्पाइसीनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी आपको इडली का जो बर्तन आता है वो लेना है। ठीक है, इसमें जो दो प्लेट है इसे हम साइड में रखते हैं, और ये जो प्लेट है इसमें हमको ऑयल लगाना है थोड़ा सा। ऑयल लगा के जो हमने मिश्रण लिया था इसको ऐसे इसको डाल के ऐसे फैलाना है। अब ऑयल से क्या होगा, ये नीचे चिपकेगा नहीं। इवन होने के बाद अब दूसरे इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, इसको इवनली स्प्रेड करना है। अभी ये होने के बाद हम इसको स्टीम करेंगे, तो चलिए स्टीम करते हैं अभी इसको। ये जो इडली का बर्तन है इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डाल के जब तक पानी गर्म नहीं होता तब तक इसको ऐसे ही रखेंगे। अब जैसे ही हमारा पानी बॉईल पे आएगा इसको हमको इसमें रख देना है। और अभी बात करके इसको स्टीम करना है। 10 मिनट के बाद तो खोल के देखना है, तो देखिए हमारी जो वड़ी थी ये पूरी पक चुकी है। तो हम इसको फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, और ठंडा होने के बाद इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक कम्प्लीटली कूल होने के बाद इसको हम कट करते हैं। आप चाहिए तो आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में आप कट कर सकते हो। जो स्क्वायर चाहिए करके मैं स्क्वायर में कट कर रहा हूँ। अब इसको निकाल लो।
ऐसे आप सभी भी आपके जितने भी इन सभी को आपको ऐसे निकालना है, और निकालने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई में तेल लेना है और तेल को गर्म करना है पहले, और गर्म करने के बाद धनिया वड़ी को डालना है। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें धनिया वड़ी डाल देते हैं। अब हमारी धनिया वड़ी है जो अच्छे से फ्राई हो गई है, आपको इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, तो इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाएगा, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कोथिंबीर वड़ी। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई रहेगी। अगर पसंद आई रहेगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।